आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन में दिया गया है द हाफ लाइफ ऑफ ए सर्टेन रेडियो एक्टिव स्पेसिमेन इज टू बी मेजर्ड। आपको हाफ लाइफ मेजर करनी है, टी हाफ। ओके, आपको बताया क्या गया है, आपको बताया गया है कि एक आपके पास काउंटर है जो कि एक्टिविटी रेट मेजर करता है। टी इक्वल्स टू जीरो जो एक्टिविटी है वो है 1000 प्लस माइनस 5 dps यानी कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और एट टी इक्वल्स टू 100 at जो है ये हो जाता है 500 प्लस माइनस 5 dps। तो आप देख रहे हो कि at इज इक्वल्स टू a नॉट बाई 2 यानी कि टी इक्वल्स टू 100 जो होगा यही टी हाफ होगा क्योंकि हाफ लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। तो ये तो बिल्कुल पहले से ही आपको दिख गया, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 100 सेकंड जो होगा यही हाफ लाइफ होगा, ठीक है। आगे उसने ये बताया है कि आपको इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच इज 1 सेकंड फाइंड द परसेंटेज एरर इन हाफ लाइफ साइकिल। तो आपको हाफ लाइफ साइकिल का परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम आप ये करो कि पहले हाफ लाइफ का फार्मूला निकालो। तो आपके पास फार्मूला होता है ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस का लैम्डा टी ए टी अपॉन, इसको आप ऐसे कर दो, ए टी एलेन ऑफ ए टी इज इक्वल्स टू एलेन ऑफ ए नॉट माइनस का लैम्डा टी, फ्रॉम हेयर लैम्डा टी विल बी इक्वल्स टू एलेन ऑफ ए नॉट माइनस का एलेन ऑफ ए टी। और लैम्डा की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एलेन टू बाई टी हाफ, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन हो जाएगी एलेन टू बाई टी हाफ इंटू टी इज इक्वल्स टू एलेन ए नॉट माइनस का एलेन ए टी। अब आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो इक्वेशन को। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो आपके पास आ जाएगा एलेन टू इंटू टी इज इक्वल्स टू टी हाफ का होल स्क्वायर माइनस ये 1 बाई एक्स का और डी ऑफ टी ऑफ हाफ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलेन ए नॉट इज इक्वल्स टू डी ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट प्लस का, क्योंकि आप मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालेंगे तो प्लस साइन आ जाएगा, डी ऑफ ए टी डिवाइडेड बाई ए टी। ओके, अब आप क्या करो कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो एलेन टू अपॉन टी हाफ। अब आप पॉजिटिव निकाल लो तो माइनस साइन आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है बिकॉज आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है। टी हाफ इंटू जो टी होगा वो जो दूसरा टी होगा ये टी हाफ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो डी ऑफ टी हाफ इज इक्वल्स टू डी ए नॉट बाई ए नॉट प्लस का डी ए टी बाई ए टी। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू का डी टी बाई हाफ इंटू टी हाफ इसका आपको इसका आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो इसका वैल्यू क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू आई थिंक डी ए नॉट बाई ए नॉट प्लस का डी ए टी डिवाइडेड बाई ए टी डिवाइडेड बाई एल एन टू। तो डी ए नॉट कितना होगा, ए नॉट में 5 बताया गया है और ए नॉट की वैल्यू है 5000 और डी ए टी में भी प्लस माइनस 5 है और इसकी वैल्यू 500 डिवाइडेड बाई एल एन टू। ये इसका एलसीएम लोगे तो 1000 हो जाएगा, 2 टाइम्स 10 प्लस का 15 अपॉन 1000 यानी कि 15 अपॉन का 1000 बाई एल एन टू। आपको परसेंटेज निकालना है तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी टी हाफ डिवाइडेड बाई टी हाफ इंटू 100 विल बी इक्वल्स टू 1.5 अपॉन एल एन टू परसेंटेज। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.16, ठीक है। तो आई होप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.16 परसेंट एरर। तो एल एन टू की वैल्यू आपको पता ही होगी तो उसको उठाकर पुट कर देंगे आप, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, सिंपल से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन का यूज किया, कोई खास टफनेस नहीं थी क्वेश्चन में, ईजी था क्वेश्चन। हाँ, यहाँ परसेंटेज साइन लगा दूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी उसने परसेंटेज एरर पूछा है तो नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि परसेंटेज एरर ही वो यहाँ रखे हुए। तो आप एक बार सारे स्टेप्स देख लो, कुछ खास था नहीं,
सीधा सा हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन की का यूज किया, डिफरेंशिएशन का यूज किया क्योंकि हमें रेट कैलकुलेट करना था। इसका डिफरेंशिएशन हमें आप पता है कि जब आप एक किसी लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं डी ऑफ एल एन एक्स टू इट इज इक्वल्स टू 1/x dx, ठीक है। तो बस ऐसे ही था, कुछ खास था नहीं, क्वेश्चन इजी था। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।